Hello students, this is Archana Chauhan and this video is the solution of exercise 1.2 chapter 1 and CERT. Okay, so is exercise mein hum kuch null set, empty set aur videos aur void set se related hum questions karenge and finite or infinite set also. So, jo first question hai, it says which of the following are examples of the null set or void set or empty set. Hume isme ye batana hai ki kaun sa example hai null set ka ya fir void set ka ya fir empty set ka. Okay, so first is set of odd natural numbers divisible by 2. Ab hume pata hai ki jo numbers hai डिविजन कौन से नंबर से जो 2 से डिवाइड होते हैं दैट इज इवन नंबर और नंबर तो एक भी नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है ठीक है 1 2 3 4 5 सो डिवाइड क्या 1 2 से डिवाइड हो सकता है नो सो ऐसे ही क्या 2 इसने हमसे ऑड नेचुरल नंबर के लिए पूछा है तो इट इज 3 एंड 5 क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो कि ऑड नेचुरल नंबर हो और जो डिवाइड होता हो 2 से ठीक है तो दैट्स मीन इट्स आंसर विल बी 5 क्लियर नाउ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ठीक है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर क्या होता है अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर सो प्राइम नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 एंड सो ऑन ठीक है तो यहां पर जो इवन प्राइम नंबर की बात कर रहे हो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो दैट इज ओनली 1 नंबर दैट इज ओनली 2 सो इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट ऊपर वाले में आप लिख देंगे इट इज अ नल सेट ठीक है ये कैसा सेट है एक नल सेट है ठीक है और ये क्या है इट इज नॉट अ नल सेट ठीक है ये एक नल सेट नहीं है नाउ चेक फॉर दिस x is a natural number which is where 5 is greater than x and x is less than 5 sorry x is less than 5 and x is greater than 7 so dekh lete hain number line 1 2 3 4 5 6 7 to aap check kar sakte ho yahan se x kaisa number hona chahiye which should be less than 5 to 5 se chota ho iska matlab inme se koi ek number hona chahiye and dusri baat kya bol rahe x is greater than 7 so 7 se बड़ा होना चाहिए तो आप देख सकते हो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ऐसा इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो कि 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो तो इस केस पे ये भी क्या होगा 5 इट्स अ नल सेट लिख देंगे यहां पर इट इज अ नल सेट क्लियर नाउ नेक्स्ट इज Y is a point common to any two parallel lines. As we know that parallel lines never meets to each other. If they meet, then it will be called intersection. ठीक है? अगर हम दो लाइनों को बोल रहे कि वो parallel line हैं और ऐसा कोई common point आप निकाल कर दीजिए जो कि दोनों lines पर हो, तो parallel lines आप खुद से देख सकते हो. These are two parallel lines. तो ये मतलब ही नहीं है कि कोई इनमें कॉमन पॉइंट आएगा ठीक है अगर ये कुछ इस तरीके से होती हाँ तो डेफिनेटली वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट बट यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा 5 मीन्स इट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट और नल सेट ठीक है सो इट इज ऑल्सो 5 एंड इट इज नॉट इट इज अ नल सेट ठीक है हमें ये बताना है ये भी क्या है नल सेट है ठीक है जस्ट पॉज द वीडियो ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें इसमें बताना है कि कौन से सेट हमारे फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है ठीक है तो फाइनाइट सेट्स कौन से थे जिनको कि काउंट किया जा सके मीन्स काउंटेबल काउंटेबल एलिमेंट्स अगर किसी सेट में है तो हम उसको क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट अनकाउंटेबल जिसको कि काउंट ना किया जा सके वो कौन से सेट करके अनकाउंटेबल सेट्स सो लेट्स सी द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 होते हैं 12 मंथ होते हैं ठीक है तो 12 मंथ्स अगर है तो दैट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल ऑफ कोर्स इट इज काउंटेबल सो इट विल बी अ फाइनाइट सेट
ठीक है, ये 5/8 सेट हो जाएगा। नाउ 1, 2, 3 थ्री डॉट्स आ रही है, थ्री डॉट्स देखते ही आपको समझ आना है कि इट विल बी अ इनफाइनाइट सेट, सो इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 100 से ग्रेटर है तो आप कहीं तक भी ले सकते, दुनिया भर के नंबर है इसमें, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। नाउ लास्ट वन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, अब उसने हमें यहाँ कंडीशन दे दी है क्या, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका जो सेट है वो आपको बताना है, तो क्या होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, चेक कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7 कहाँ तक होंगे, लेस देन 99, तो 99 तो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 98 होगा, 97 विल बी, सो ये कुछ बनेगा, सो कैसा है ये, इट इज फाइनाइट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, हमें बताना है यहाँ पर जो नीचे दिए गए सेट्स हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सो अगेन फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सके या जिसको हम गिनती गिन सके, ठीक है, एंड इनफाइनाइट जिस जो कि अनकाउंटेबल हो, जिसको गिना ही ना जा सके, ठीक है, वो हमारा अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट। सो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू कैन सी दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई, सो देर आर लॉट्स ऑफ लाइन यू कैन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, यू कांट काउंट कि हाउ मेनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम इट, ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं जो कि एक्स के पैरेलल लाइन्स हो, तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, नाउ द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वी नो दीज आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज काउंटेबल, सो इट विल बी फाइनाइट सेट। क्या होगा ये, फाइनाइट सेट होगा। अब आप देख सकते हैं ABCDEFG, आप काउंट कर सकते हैं अप टू जेड तक। नाउ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल है तो 5 का मल्टीपल अनकाउंटेबल, 5 से शुरू करोगे आप, ठीक है, 10 टाइम्स तो आप करोगे, फिर 100 टाइम्स कितना भी आप कर सकते हो, तो इट इज अनकाउंटेबल, सो दैट्स व्हाई इट विल बी इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नाउ द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो संख्या है, ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, तो अभी काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल है, अब आप कहोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बट जब हम ह्यूमन बींग्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री और इन द वर्ल्ड अगर हम काउंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम एनिमल्स को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ये संख्या में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बट काउंट किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट विल बी आल्सो अ फाइनाइट सेट। नाउ फिफ्थ इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 00, ठीक है, सर्कल है, आपको बताना है कि सेट ऑफ सर्कल्स, बहुत ऐसे कितने सर्कल्स हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं, कितने ड्रॉ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ सर्कल्स आर देयर, यू कैन काउंट, you can draw lots of circle which passes through origin, ठीक है, and in fact lots of lines you can draw from a point or you can say origin, if I tell this is x and this is y, so lots of line can pass through the origin, बहुत सारी line भी आपके pass हो सकती है origin से, and as well lots of circles you can pass through origin, so it will also इनफाइनाइट। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो ताकि आप इसको नोट कर सके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यस स्टूडेंट्स चेक क्वेश्चन नंबर 4, इट इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट, हमें चेक करना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें सेट ए सेट बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, तो इक्विवेलेंसी के लिए एग्जैक्टली सेम होने चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है, तो आप सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, अगर वो सेम वैल्यूज रखते हैं, सेम एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होते हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि दीज टू सेट्स आर
इक्वल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, सेट ए में ए है, यस बी में भी ए है, एंड बी ऑल्सो इन सेट बी, सी इज ऑल्सो इन सेट बी, एंड डी इज ऑल्सो इन सेट बी, दैट्स वाई इट विल बी इक्वल सेट्स, ठीक है। ये दोनों कैसे सेट होंगे, इक्वल होंगे। नाउ चेक फॉर एट, फोर इन सेट बी, यस एट, यस इट इज हियर, एंड ट्वेल्व, नो, सो ट्वेल्व डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, दैट्स वाई क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसके लिए क्या होगा, ए सेट बी के इक्वल नहीं है। यहाँ पर ए के जो एलिमेंट्स है दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। कैसे इंटीजर, इवन इंटीजर से, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 10। सो क्या होगा, ये 2, 4, 6, 8 और 10, तो बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, 2, 4, 6, 8, 10, यस, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू बी। इसमें भी क्या होगा, ए सेट बी सेट के इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, सो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, कोई लिमिट हमें नहीं दी है। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 10 है, यस, 20 है, यस, एंड 30 है, यस। बट इस वाले सेट में, सेट ए में आपके पास 15 नहीं है, सो 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कि ये भी दोनों इक्वल नहीं है, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। आप वीडियो पॉज कर दें ताकि आप इसको नोट कर सकें, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 5। इट इज, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस, ठीक है। हमें ये बताना है क्या जो नीचे सेट हमें दिए गए हैं ए और बी, ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो भी हमें रीजन बताना है, और अगर इक्वल है तो भी हमें रीजन इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है, सो चेक क्वेश्चन नंबर 1। इट इज ए इक्वल्स टू 2, 3, इसमें जो एलिमेंट्स है 2, 3 है, एंड यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यू नीड टू सॉल्व दैट फर्स्ट। सो इक्वेशंस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3 जा 6, सो 2x प्लस 3x एंड प्लस 6, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0 इफ यू सॉल्व इट, एंड एक्स विल टेक कॉमन प्लस 3, यहाँ से बचेगा 2 इक्वल्स टू 0, सो यू विल गेट एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3, ठीक है। तो आपके पास टू वैल्यूज मिलेगी, एक माइनस 2 दूसरी माइनस 3, ठीक है। तो जो सेट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा क्या, माइनस 2 एंड माइनस 3 बनेगा, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नाउ चेक फॉर पार्ट 2। ए एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो चेक कर लेते हैं क्या इसके एलिमेंट्स निकल के आएंगे, एफ ओ, I will take one time, O, we already have taken it, and W, ठीक है। Now check for Y is a letter in the word wolf, so it will be W O L F, you can check from here, क्या W है, yes, set A में है, O है, yes, set A में है, and L, yes, and F is also there, so set A is equal to set B, इसमें क्या हो जाएगा, A is equals to बी। इसको मैं रेज कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ क्लियर रहे, ठीक है, चेक इट आउट फ्रॉम हियर। नाउ पार्ट, यस, दिस इज, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इसमें भी हमें इक्वल सेट्स बताने कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हो सकते हैं। सो 2, 4, 8, 12, चेक इट, क्या यहाँ कहीं और है, यस नहीं है, कोई सेट हमारे पास नहीं है एक एक इक्वेलेंस में। एंड बी के लिए चेक करिए, 1, 2, 3, 4, तो ये नहीं होगा, 1 है, यस, 2 है, 3, 4, यस, जो सेट बी है और जो सेट डी है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट्स हैं। नाउ चेक नेक्स्ट, -1 एंड 1 एलिमेंट है, यस जी में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज ए इक्वल्स टू जी, एंड एफ में 0 ए है और वो जो 0, 1 है, नो, ठीक है। तो केवल दो ही सेट ऐसे हैं जो कि इक्वल सेट्स हैं, उसके अलावा कोई और सेट इसमें नहीं है।
Students, if you like to watch my videos, kindly like, share and subscribe. And don't forget to press bell button so that you can get already automatically my all videos. Thank you. Thank you so much.